हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का मैथ्स का अगला लेसन पढ़ने वाले हैं। बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। मतलब तुम मेरे मल्टीपल बनो, मैं तुम्हारा फैक्टर बनूंगा। आज हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है ये हम पूरे डिटेल में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। द माउस एंड द कैट। अभी ये नाम सुनते ही आपको एक क्रॉस कनेक्शन की याद आई होगी। मतलब माउस और कैट, जिनकी कभी भी नहीं जमती हैं और हमेशा वो एक कैट क्या करती रहती है, माउस को पकड़ने के लिए लगी रहती है, हमेशा उसके पीछे दौड़ती रहती है। तो इसी पे ये एक पजल हमें दिया है। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। मतलब एक भूखी कैट है जो माउस को पकड़ने की कोशिश कर रही है और उस माउस का नाम क्या है, कुंजन। ओके, कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप। और कुंजन कौन से स्टेप पर है, ये देखो यहाँ पे हमें कुंजन द माउस दिख रहा है, ये है 14th स्टेप पर। अभी यहाँ पे जो है वो नंबर्स अच्छे से नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, हम अच्छे से दे देंगे। तो कुंजन अभी जो है वो 14 स्टेप में है। इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम। और वो एक साथ कितने स्टेप्स जंप कर रहा है, तो 2 स्टेप्स जंप कर रहा है। लेकिन द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। कैट कौन से स्टेप पर है, कैट है 3rd स्टेप्स पर। इफ द माउस रीचेस 28, इट कैन हाइड इन द होल। माउस क्या करता है, जब 28 स्टेप पर वो पहुंचता है तब वो होल के अंदर गायब हो जाता है। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो माउस होता है वो जो बिल्ली होती है उससे दूर सेफली कैसे पहुंच पाया। अभी देखो, माउस और कैट का कनेक्शन तो हमें पता ही है कि माउस और कैट जो है वो हमेशा एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। जो कैट होती है वो माउस के पीछे हमेशा क्या करती है, दौड़ती रहती है, उसको पकड़ने की कोशिश करते ही रहती है। लेकिन उंदिर मामा जो है हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। वो कैसे न कैसे करके बिल्ली मौसी के हाथ से छूट ही जाते हैं। तो इस बार भी वो बिल्ली मौसी के हाथ से छूट गए। तो देखते हैं हम कैसे छूट गए। तो हमें यहाँ पे बोला है कि कुंजन जो माउस है वो है 14 स्टेप पर। अभी यहाँ पर अगर हम अच्छे से नंबर सारे स्टेप्स को दे दे, तो देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुंजन द माउस है रियली 14 स्टेप पर। तो यहाँ पे हम सारे स्टेप्स को क्या दे देते हैं, अच्छे से नंबर्स दे देते हैं, ताकि इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स हमें अच्छे से क्या हो सके, करते आ सके। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स है वो है 28। ठीक है, और 28 स्टेप्स के बाद आप देख सकोगे यहाँ पे आ रहा है एक होल, जो कि जिसमें माउस जो है वो चला गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये जो कैट है उसने माउस को पकड़ा कि नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैट है बिल्ली मौसी वो कितने स्टेप्स चल रहे हैं। तो बिल्ली मौसी चल रही है 3 स्टेप्स आगे। ठीक है, तो एक साथ वो 3 स्टेप्स क्या कर रही है, पार कर रही है। तो अगर कैट 3rd स्टेप पर है, तो वो अगर आगे भी 3rd स्टेप पर डायरेक्टली जंप करती है तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 स्टेप पर आने के बाद कैट क्या करती है, और 3rd स्टेप पर जंप करती है। तो 6 के आगे 3rd स्टेप पर जब वो जंप करेगी तो आएगी वो 9 स्टेप पर। और 9 स्टेप्स पर पहुंचने के बाद जब वो फिर से 3rd स्टेप्स आगे जाएगी, तब वो कितना हो जाएगा, 9 + 3 = 10, 11, 12।
12 स्टेप्स पर, ठीक है। और जब वो 12 स्टेप्स पर पहुंचेगी तब और 3 स्टेप्स वो आगे चली जाएगी और तब वो पहुंचेगी 15 स्टेप पर। 15 स्टेप पर वो आने के बाद फिर से 3 स्टेप जब वो आगे जाएगी तब वो पहुंचेगी 18 स्टेप पर और 18 स्टेप्स पर और 3 स्टेप, ऐसे हमें करते जाना है। तो वो आएगी 21 पर, 21 के आगे 3 स्टेप्स होते हैं 24, 24 के आगे 3 स्टेप्स होते हैं 27। इस तरह से हम पहुंच गए। अभी हम यहाँ पे रुके क्यों? क्योंकि स्टेप्स कितने हैं, 28 ही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। तो अगर आप देखोगे तो थ्री स्टेप्स पर जहाँ जहाँ वो जंप कर रही थी वो सारी स्टेप्स हमने निकाल लिए। और अगर आप और एक बात यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये क्या है, 3 का टेबल है। 3 का टेबल तो आपको आता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 सिक्स जा 18, 3 सेवन जा 21, 3 एट जा 24, 3 नाइन जा 27। तो ये सारे क्या हो गए, 3 के टेबल में जो आते हैं वो नंबर्स। इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर जो है वो है मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हम उसका भी उसको बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर क्या है, 3 से मल्टीपल है। तो अच्छा, इसको बोलते हैं मल्टीपल, यस इसको बोलते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। उसके बाद अभी हम करेंगे मूषक राजा की बात। तो जो कुंजन माउस जो था, जिसको बिल्ली अभी पकड़ने वाली है, तो उसको पकड़ा कि नहीं ये जानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि जब वो 2 स्टेप्स आगे बढ़ रहा था तब, तो जब बिल्ली मौसी तीसरे स्टेप पर थी तब वो कहाँ था, तब वो था 14 स्टेप पर। और जब वो 14 स्टेप पर आया तब वो 2 स्टेप्स क्या हुआ, आगे चला गया। तो 14 प्लस 2 हुआ 16। तो 16 में जब 2 स्टेप्स वो आगे गया तब वो आया 18 स्टेप पर। 18 में फिर से वो 2 स्टेप्स आगे गया तब वो आया 20 स्टेप पर, ठीक है। 20 के बाद वो फिर से 2 स्टेप्स आगे गया तो वो आया 22 स्टेप्स पर। 22 स्टेप के बाद फिर से 2 स्टेप्स, 24, 24 के बाद फिर से 2 स्टेप आगे 26, 26 पे फिर से 2 स्टेप अगर हम आगे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल 28 पर, ठीक है, जहाँ पे उसका घर था। और फिर मूषक राजा हमारे क्या करते हैं, घर में एंटर कर देते हैं, घर में भाग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बिल्ली मौसी ने मूषक राजा को पकड़ा कि नहीं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं ये तो सारे 2 के टेबल में आते हैं भाई। जैसे कि देखो, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। और फिर से अगर हम उसमें 2-2 ऐड कर दें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब 2 से क्या हो रहे हैं, सारे के सारे मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हमें पूछा है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप। हमें क्या बोला है कि वो कौन से स्टेप्स थे जिस पर माउस ने जंप किया। तो वो तो हमने अभी निकाला कि माउस ने जिन जिन स्टेप्स पर जंप किया वो सारे स्टेप्स ये है, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28 के बाद उसका घर था। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। वो कौन से स्टेप्स थे भाई जिन पर कैट ने जंप किया था। तो वो तो हमने निकाल लिया है। तो कैट ने जंप्स किए हुए स्टेप्स थे 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ओके। उसके बाद हमें सी में पूछा गया है द स्टेप्स ऑन विच
बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अभी हमें वो वाले स्टेप्स देखने हैं जिन पर कैट और माउस दोनों ने क्या किया था, सेम जंप किया था। और इसी से हमें पता चलेगा कि माउस कैट को पकड़ सकी या नहीं। तो हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स इनके सेम हैं। तो यहाँ पे दिया है 6, तो 6 तो यहाँ पे नहीं है, 9 भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आता है 12, 12 यहाँ पे नहीं है। फिर आता है 15, तो 15 भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है अगले स्टेप्स 18, तो 18 यहाँ पे हमें मिल गया। 18 स्टेप कैट और रैट की सेम थी। उसके बाद है 21, 21 नंबर भी यहाँ पे नहीं है। 24, हाँ 24 है, तो 24 नंबर जो है वो कैट और कुंजन माउस ने सेम जंप किया था उन स्टेप्स पर। उसके बाद आता है 27, तो 27 भी यहाँ पे नहीं है। सारे स्टेप्स ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये 18 और 24 नंबर जो है ये दोनों नंबर्स पर कैट और रैट कुंजन जो माउस था उन्होंने सेम कैट किया था, सेम स्टेप्स उन्होंने जंप किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला। उसके बाद हमें पूछा गया है कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस भाग गया, माउस दूर भाग गया। अभी देखो भाई, बिल्ली मौसी जब थर्ड स्टेप पर थी तब जो कुंजन माउस था वो था 14 स्टेप पर। अभी वो इतने दूर अगर था तो ऑब्वियस है वो दो दो स्टेप चल रहा था आगे, तो वो जल्दी क्या हो गया, दूर बिल्ली मौसी से भाग गया। इसलिए यहाँ पे आएगा यस, यहाँ पे आंसर आएगा यस। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करके हम जल्दी से ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जंप्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम कैन द माउस गेट अवे। अभी वो बोल रहे हैं कि समझ लो कैट ने 5th स्टेप से स्टार्ट किया होता और वो 5th स्टेप्स एट अ टाइम जंप कर रही होती, और माउस जो है वो चूहा भैया जो है वो है 8th स्टेप पर होते और वो एट अ टाइम 4 स्टेप जंप कर रहे होते, तो भी क्या माउस भाग जाता। तो चलिए हम करके देखते हैं, कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिल्ली मौसी का देख लेते हैं। तो बिल्ली मौसी वो क्या बता रहे हैं, बिल्ली मौसी है 5th स्टेप पर। ठीक है, बिल्ली मौसी है 5th स्टेप पर और वो कितने स्टेप्स चल रही है आगे, कितने स्टेप जंप कर रही है, तो वो कर रही है 5 स्टेप्स। तो 5 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद 10 में अगर हम 5 स्टेप्स और आगे चले तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद 15 स्टेप में और 5 स्टेप्स हम आगे चले तो ये हो जाएगा 20। 20 में आगे चले 5 स्टेप्स उसने जंप किया तो हो जाएगा 25। हम नहीं कर रहे हैं, बिल्ली मौसी कर रही है। ठीक है, तो 25 में और 5 स्टेप्स आगे चले तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो इतने स्टेप्स तक की हमें रुक जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कुंजन द माउस कौन सी स्टेप पर है। कुंजन द माउस कर रहे हैं वो है 4th स्टेप पर। यहाँ पे हमें बोला गया है द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जंप 4 स्टेप्स एट अ टाइम। वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, 4 स्टेप्स चल रहा है आगे और वो अभी 8th स्टेप पर है। तो 8 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। तो वो 12 स्टेप पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर वो 12 स्टेप पर आने के बाद और 4 स्टेप्स आगे चले तो वो पहुंच जाएगा 16 स्टेप पर। 16 स्टेप पर पहुंचने के बाद 4 स्टेप आगे चले
तो वो हो जाएगा 16 + 4 कितना होता है 20। 20 में 4 स्टेप्स 4 हम अगर ऐड करें तो वो हो जाएंगे 24। 24 में अगर फिर से 4 ऐड करें तो हो जाएंगे 28। 28 में फिर से 4 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 32। यहाँ तक ही हमें चाहिए था, क्योंकि 28 स्टेप पर हमारे जो मूषक राजा है उनका तो घर आता है, भूल गए। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है कि वो कौन से दो स्टेप्स हैं जिस पर बिल्ली मौसी और कुंजन द माउस सेम चले थे। तो वो स्टेप्स आती हैं 10, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? नहीं। 15 स्टेप दिख रही है क्या? नहीं। 20 स्टेप दिख रही है क्या? तो हाँ, 20 नंबर की स्टेप क्या है, उनकी सेम है। उसके बाद 25, यहाँ पे 25 नहीं है। उसके बाद 30, तो 30 भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही स्टेप पर कैट और कुंजन द माउस क्या हुए, वो दोनों एक ही स्टेप पर चले। इसका मतलब कैट जब 5th स्टेप पर थी तब कुंजन 8th स्टेप पर था, और इसका मतलब ये है कि कैट जो थी वो कुंजन से अभी भी बहुत दूर थी, इसलिए कुंजन भैया फिर से मौका देख के भाग गए। ठीक है, अगला टॉपिक चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट करके पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है हु इज मोंटो वेटिंग फॉर। अभी देखते हैं ये मोंटो भैया कौन है। तो मोंटो तो हमारी कैट थी, भूल गए? मोंटो कैट किसका वेट कर रही है? मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी। मोंटो कैट किसी का वेट कर रही है, किसी की राह देख रही है। डू यू नो फॉर होम ही इज वेटिंग। क्या आपको पता है कि वो किसका वेट कर रही है? देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट। चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग कलर के बॉक्स में नंबर्स दिए हैं और उस पे कुछ लेटर्स भी दिए हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो वो लेटर से हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि मोंटो कैट किसका वेट कर रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा गया है मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। हमें मार्क करने हैं सारे नंबर्स। ठीक है, मार्क किससे करने हैं? हमें रेड डॉट से, जो कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे वो सारे नंबर्स हमें क्या करने हैं, यहाँ पे मार्क करने हैं। अभी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि 2 से डिवाइड वही नंबर होंगे जो कि 2 के टेबल में आते हैं, बहुत ही ईजी हैं, या फिर जिनके लास्ट में 2, 4, 6 या फिर 8 आएगा, वही नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। तो यही इजी ट्रिक हमें यूज़ करके क्या करना है, यहाँ पे हमें ये वाला पजल सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को हमें क्या करना है, रेड डॉट करना है। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर में सबसे पहले तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे करते हैं रेड डॉट। ठीक है, उसके बाद 2 के डिवाइड होने वाले नंबर्स, 2 का टेबल हमें पता है, तो 2 का टेबल अगर हम बोलेंगे तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हमें 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। उसके बाद अगर हम 20 में 2 ऐड कर दें, हमने अभी देखा, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कैसे हम पहचान सकते हैं। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये 21 के लास्ट में 1 है तो ये नहीं आएगा, 22 के लास्ट में 2 आता है, यस, तो ये है 2 से डिवाइड होने वाला नंबर। उसके बाद ये है 24, तो इसके लास्ट में आते हैं 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद 25 के लास्ट में 5, 26 के लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। 27 के लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 28 के लास्ट में आ रहा है 8, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 29 है, 30 के लास्ट में आता है 0, तो ये भी क्या है, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। उसके बाद 31 नहीं आएगा क्योंकि उसके लास्ट में 1 है। 32 आएगा क्योंकि उसके लास्ट में 2 है, सो यहाँ पे हम रेड मार्क करेंगे। 33 के बाद 34 आएगा क्योंकि उसके लास्ट में 4 है। 35 छोड़ देंगे, 36 क्योंकि उसके लास्ट में 6 है। 37 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसके लास्ट में 7 है। उसके बाद आएगा 38 को हम रेड डॉट कर देंगे। फिर आएगा 39, तो उसके लास्ट में 9 है इसलिए वो नहीं होगा। फिर आएगा 40 के लास्ट में है 0 जो कि 2 से डिवाइड होता है। 41 नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। 42 लास्ट में 2 है इसलिए 2 से डिवाइड होता है। 43 नहीं होगा। 44 होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो रेड डॉट तो यहाँ पे बनता है। उसके बाद है 45, 46 आएगा क्योंकि लास्ट में है 6। 47 नहीं आएगा, 48 आएगा क्योंकि लास्ट में है 8। 49 नहीं आएगा क्योंकि उसके लास्ट में है 9। 50 आएगा क्योंकि उसके लास्ट में है 0। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, एक में आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद 51 भी नहीं आएगा, 52 आएगा। 53 नहीं आएगा, 54 आएगा। 55 नहीं आएगा, 56। उसके बाद आएगा 57 भी नहीं आएगा, आएगा 58। 59 नहीं आएगा और आएगा 60। इस तरह से हमने 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स को क्या कर दिया, हमने डॉट कर दिया। अभी आप अगर आपको डिवाइड भी करना है तो डिवाइड आप कैसे करोगे, तो हमारी डिवाइड की जो मेथड है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से हम करते हैं 2 से डिवाइड। तो 2 से कौन सा नंबर हमें करना है बताइए बताइए। तो हम करेंगे 2 से डिवाइड, हम करेंगे 2 से डिवाइड 22 को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 1 2, तो 2 1 2 हम लेंगे, तो 2 से 2 माइनस होने के बाद 0 हो जाएंगे, फिर ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर से 2 1 2, तो यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे नीचे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है 22 वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है, मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 3। हमें क्या करना है, येलो डॉट देना है। येलो डॉट दे के हमें देखना है कि 3 से डिवाइड वाले होने वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं। एंड ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। और ब्लू डॉट उन नंबर्स पे देने हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स देखते हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होते हैं वो तो 3 के टेबल में आएंगे। तो 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 3 के टेबल में आता है सबसे पहले 3। तो इसके ऊपर हम करेंगे येलो डॉट। ठीक है, तो 3 1 3, 3 2 6, येलो डॉट। उसके बाद 3 3 9, ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड। 3 3 9, 3 4 12, यहाँ पे भी आएगा येलो डॉट। 3 5 15, यहाँ पे आएगा 15। 3 6 18, उसके बाद 3 7 आता है 21। 3 8 24, आप भी अगर मेरे साथ करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। उसके बाद
थ्री सेवन जा नाइन जा आता है 27, उसके बाद थ्री टेन जा आता है 30। अभी भाई थ्री का टेबल तो ख़त्म हो गया, अभी आगे कैसे करेंगे? तो आगे हमें क्या करना है, 30 के आगे थ्री नंबर्स ऐड करते चले जाना है। तो अगर हम थ्री से डिवाइड होने वाले नंबर्स देखना चाहते हैं तो 30 के आगे करेंगे हम थ्री ऐड। तो 30 में अगर हम थ्री ऐड कर लेते हैं तो होता है 31, 32, 33 और 33 में हम और थ्री ऐड करेंगे 33, 34, 35 और आएंगे 36, ओके 37, 38, 39, 40, 41, 42। आप चाहे तो एडिंग करके देख सकते हैं, 42 के बाद 43, 45, 44, 45। तो यहाँ पे तीन नंबर हमने ऐड करने के बाद 46 आ जाता है, उसके बाद 47, 48, 49, 45। तो 42 में अगर हम 3 प्लस करें तो आएगा 45, 45 के बाद आएगा 45 प्लस 3 इज 45, 46, 47। अगला क्या आएगा, अगर हम प्लस 3 करेंगे 45 में तो क्या हो जाएगा 48, ठीक है। उसके बाद 48 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 49, 50, 51, 51, ठीक है, यहाँ पे आएगा येल्लो डॉट। 51 में अगर हम करेंगे तो 52, 53, 54 आएगा, 54 में 3 करेंगे तो 55, 56, 57, ठीक है, 57 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। इस तरह से हमने येल्लो डॉट भी कर दिए। उसके बाद हमें करना है, क्या पूछा है कि ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। जो भी नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं वो हमें करने हैं ब्लू से डॉट, ठीक है। तो हम ब्लू से करेंगे डॉट 4 वाले। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स मैंने कैसे बताए थे, तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स आएंगे 4 के टेबल में ऑब्वियसली। तो सबसे पहले उसमें आएगा 4, तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24, 4 सेवन जा 28, 4 एट जा 32, 4 नाइन जा 36, 4 टेन जा 40, ओके। तो अगर अगले नंबर्स हम कैसे देखेंगे, तो इसमें बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताई है कि 40 के आगे हम क्या करेंगे, 4 नंबर ऐड करेंगे। तो 40 में अगर हम प्लस 4 करते हैं तो चलिए आइए मेरे साथ करते हैं। अब 40 के आगे हम अगर प्लस 4 करते हैं तो वो होते हैं 41, 42, 43, 44। 44 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 45, 46, 47, 48। 48 में 4 ऐड करेंगे तो 49, 50, 51, 52। उसके बाद 53, 54, 55, 56, 52 में 4 ऐड करने के बाद, और 57, 58, 59 और 60 आएगा 4 ऐड करने के बाद, 56 में 4 ऐड करने के बाद। तो ये तो हमने कर लिया 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कर किए हमने रेड डॉट से, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हमने किए येल्लो डॉट से, और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हमने किए ब्लू डॉट से। तो चलिए आगे उन्होंने क्या पूछा है हम देखते हैं। तो आगे उन्होंने पूछा है कि विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल थ्री कलर्स। वो कौन से बॉक्सेस हैं जो कि तीनों कलर से क्या है, तीनों कलर्स के उसके डॉट उस पर है। तो चलिए आइए हम सीक्वेंस से देखते हैं कि ब्लू, येल्लो और रेड डॉट तीनों डॉट्स कौन से नंबर पर हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है 12 नंबर, जो कि
12 नंबर पर क्या है, हमें तीनों डॉट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम अच्छे से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है 24 नंबर पर, और उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि 36 पर क्या हो रहा है, तीनों डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद है यहाँ पे 48 पर, 48 के बाद ये लास्ट 60, ठीक है। तो इन नंबर्स पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, तीनों डॉट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अच्छे से इन नंबर्स के ऊपर देखें तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई ना कोई लेटर जो है वो दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 12 के ऊपर M, तो हम चलिए हम इसे नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, M दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है क्या दिया है, M दिया है। उसके बाद हमें दूसरा नंबर जो लेटर है वो है O। उसके बाद जो तीसरा लेटर है वो है U, और अगला लेटर है S, और लास्ट वाला लेटर है E। तो अच्छा, बिल्ली मौसी ढूंढ रही थी MOUSE माउस को, मतलब चूहे भैया को बिल्ली मौसी क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी। तो ये था हमारा पजल, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से क्या किया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैओ गेम। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं मैओ गेम। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। ये गेम खेलने के लिए सबको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्कल में खड़ा रहना होगा। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, और एक प्लेयर जो होगा उसको वन कहा जाएगा। द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू एंड सो ऑन, मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से वो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इस तरह से प्लेयर्स को नाम दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद और नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री हैज़ टू से मैओ इंस्टेड ऑफ द नंबर, और जो नंबर्स थ्री से डिवाइड होंगे, मतलब थ्री से डिवाइड होने वाले नंबर्स मैंने आपको बताया तो कि थ्री के टेबल में आते हैं, उस नंबर के नंबर वाले लड़का या लड़की के पीछे क्या बोलना होगा जाके, मैओ। वन हु फॉरगेट्स टू से मैओ इज आउट ऑफ द गेम, और थ्री से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स के लड़के और लड़कियों के पीछे जाके मैओ बोलना होगा, और जो भी लड़का और लड़की भूल गया कि मैओ बोला था तो वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट प्लेयर इज लेफ्ट इज द विनर, और जो लास्ट प्लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, विनर होगा, ठीक है। विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ मैओ, तो वो कौन से नंबर होंगे जो मैओ से, मैओ उनके पीछे जाके कहा जाएगा, तो वो होंगे थ्री सिक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला थ्री से डिवाइड होने वाले नंबर थ्री के टेबल में आते हैं, तो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन और थर्टी, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, थ्री के टेबल में थ्री से डिवाइड होने वाले आते हैं, मतलब थ्री से मल्टीपल हैं। तो इन सब नंबर्स के पीछे जाके उनको क्या बोलना है, मैओ बोलना है। वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ थ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्री के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, थ्री से मल्टीपल होते हैं, वही हमें यहाँ पे बताया गया है। प्ले द गेम, ये गेम हमें खेलना है बाय चेंजिंग द नंबर टू फोर, और अभी यहाँ पे थ्री की जगह हमें लेना है फोर नंबर, और फोर से मल्टीपल होने वाले सारे नंबर्स हमें जहाँ पे जिन लड़की और लड़के के पीछे वाला होगा उसको हमें पीछे जाके मैओ बोलना है, ठीक है। नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ मैओ, तो वो कौन से नंबर होंगे तो जो कि मैओ से रिप्लेस होंगे। दिस नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ फोर,
तो वो कौन कौन से नंबर से जो कि 4 के मल्टीपल से, तो वो है 4, 8, 12, तो वो होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, 4 से मल्टीपल होने वाले। राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का हमें मल्टीपल देखने हैं 10। तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे, तो वो आएंगे 5, 10, 15 जो कि सारे 5 के टेबल में आते हैं, 20, 25, 20, 5 के बाद 30, 35, 40, 45 और लास्ट वन इज 50। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं डाइस गेम। तो चलिए, और एक गेम आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलिए आइए हम इसे भी खेलते हैं और जीत के भी दिखाते हैं। थ्रो टू डाइस टुगेदर, हमें क्या करना है, 2 डाइस साथ में फेंकने हैं। डाइस आपको पता है, आप लूडो वगैरह खेलते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये क्या है, 2 डाइस हमें साथ में क्या करने हैं, फेंकने हैं। वॉट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, और हमें डाइस फेंकने के बाद जब वो उसके जो ऊपर जो नंबर्स आएंगे वो हमें देखने हैं कि कितने आए हैं। मेक अ 2-डिजिट नंबर यूजिंग देम, तो हम क्या करेंगे, वो 2-डिजिट नंबर उसको मान के चलेंगे और उसको यूज करेंगे। इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर रिटर्न नेक्स्ट टू द सर्कल, और वो नंबर जिस भी नंबर का मल्टीपल होगा उसे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। यू कैन राइट इट इन द सर्कल, और आपको क्या करना है, उसको सर्कल में भी लिखना है। देन इट इज़ योर फ्रेंड्स टर्न, जब और फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स की खेलने की टर्न आएगी। द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स इज द विनर, और जो भी 10 नंबर से ज़्यादा लिख पाएगा वो क्या हो जाएगा, उस राउंड में विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है 6, तो यहाँ पे हमें दिया है 6, तो 6 के मल्टीपल्स हमें बताने हैं। तो 6 के 6 किसके टेबल में आता है, 6, 6, 12, 24, 36 एंड 42। अगर हम 4 के मल्टीपल देखेंगे तो 4 के मल्टीपल क्या है, 4, 12, 16, 24 एंड 30। 5 का आएगा 15, 25, 35 और 40, और 7 के आएंगे, 7 का आएगा 14, 21, 35 और 42। तरह से हमने ये वाला गेम भी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉमन मल्टीपल्स, एक जैसे मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स मतलब सेम नंबर्स। थिंक ऑफ अ नंबर, आप एक नंबर क्या कीजिए, थिंक कीजिए, सोचिए। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या वो 3 का मल्टीपल है, राइट इट इन अ रेड सर्कल, और वो हमें लिखना है 3 का मल्टीपल रेड सर्कल में। उसके बाद इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो वो हमें लिखना है राइट इट इन द ब्लू सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 3 के मल्टीपल हमें पता है, 3 का मल्टीपल होते हैं 3 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स, और उसके टेबल ख़त्म होने के बाद टेबल कहाँ पे ख़त्म होगा, 30 पे टेबल खत्म होने के बाद हमें आगे कितने ऐड करने हैं, 3 को ऐड करते जाना है। तो 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर 3 से मल्टीपल होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, 3 3 6 3 9 4 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 21 3 9 27 3 10 30। और आगे के अगर हम हमें निकालने हैं तो हमें +3 +3 करते जाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 का देखेंगे तो 5 के कैसे आएंगे, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 25 30
35, 40, 45 एंड लास्ट इज 50। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गए हैं कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बोला है, सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। तो इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 के सर्कल में भी है और 5 के सर्कल में भी है। इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है जो कि सेम दिखते हैं वो 3 एंड 5 के क्या है, मल्टीपल से। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5। इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, 3 एंड 5 के मल्टीपल्स बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि दोनों में कौन से नंबर हैं जो दोनों के मल्टीपल है, 3 के भी और 5 के भी। अगर हम यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 है क्या, नहीं। यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे भी 6 नहीं है। 12, तो यहाँ पे भी 12 नहीं है। 15 जो है वो यहाँ पे भी है, तो हम इसे करेंगे सर्कल, क्योंकि वो क्या है, दोनों के सर्कल में है, तो वो है कॉमन मल्टीपल, जो कि हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। उसके बाद 18 यहाँ पे नहीं है, 21 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, हाँ 30 है, 30 यहाँ पे है, तो 30 क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल। सो यहाँ पे आएगा 15 और 13 क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, जो कि दोनों के इसमें आ रहे हैं। थिंक, जरा सोचिए, इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट, देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल्स। तो अगर सोचिए कि अगर हम ये जो पर्पल कलर का पार्ट है जिसमें दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हम लिख देते हैं, तो क्या वो बोथ रेड एंड सर्कल में भी रहेंगे। येस, वो रेड एंड सर्कल में भी रहेंगे। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल, तो इसमें 15 और 13 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वो है 15। ठीक है, और अगर बिगेस्ट की बात करें तो बिगेस्ट तो हमें आगे जितने भी हम निकालेंगे उतने हम क्या करेंगे, हमें बिगर वाला मल्टीपल मिलता चला जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ 30 और 50 तक ही लिए हैं। ठीक है, रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 एंड 7। तो यही हम गेम हमें क्या करना है, 2 और 7 के साथ भी रिपीट करना है। तो चलिए आइए हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक सर्कल बनाना होगा 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया जिसमें हम लिखेंगे 2 के मल्टीपल, और उसके बाद दूसरा सर्कल हमें ऐसे बनाना है जो कि बिल्कुल 2 के क्या हो जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 7। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल आते हैं 2 के टेबल में, तो यहाँ पे हम 2 के मल्टीपल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे 7, 14, 21, 28, 32, 35, 42, 49 और 70। और आगे भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, मैंने तो आपको बताया था कि अगर 2 के मल्टीपल आपको आगे निकालने हैं तो 20 में आपको 2 प्लस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा 22 में और 2 प्लस करेंगे 24 आ जाएगा, 24 में और 2 प्लस करेंगे 26 आ जाएगा, 26 में और 2 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो इतने काफ़ी हैं, और 7 के भी हम वैसे ही कर सकते हैं, 70 में 7 को ऐड करेंगे तो 77 आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं कॉमन फैक्टर की तरफ। तो इस दोनों में एक कॉमन फैक्टर कौन से हैं, हम चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नंबर 2,
तो इस वाले सेवन के मल्टीपल में टू नंबर है क्या? नहीं है। फोर है क्या? फोर भी नहीं है। सिक्स सिक्स भी नहीं है। एट एट भी नहीं है। टेन टेन भी नहीं है। ट्वेल्व ट्वेल्व भी हमें कहीं दिख नहीं रहा है। फोर्टीन, हाँ हमें फोर्टीन मिल गया, जो कि दोनों में क्या है? कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल में। उसके बाद है सिक्सटीन, सिक्सटीन नहीं है। एटीन, एटीन भी नहीं है। ट्वेंटी, ट्वेंटी भी नहीं है। ट्वेंटी टू भी नहीं है। ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर भी नहीं है। ट्वेंटी सिक्स भी नहीं है। और एंड देन ट्वेंटी एट, हाँ यहाँ पे है ट्वेंटी एट, जो कि दोनों में क्या है? कॉमन मल्टीपल है। और एंड देन थर्टी, तो थर्टी भी नहीं है, ठीक है। और अगर आगे हम निकालते जाएंगे वैसे वैसे हमें कॉमन मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। तो फिलहाल तो हमें फोर्टीन और ट्वेंटी एट क्या मिल गए? कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से हमें निकालने हैं कॉमन मल्टीपल। बहुत ही ईजी था। और अगर आपको नहीं समझा है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट टेक के फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ फोर सिक्स एंड फाइव इन द सर्कल्स। हमें बोला है कि ये गेम हमें फिर से रिपीट करना है फोर सिक्स एंड फाइव के मल्टीपल्स लेके। तो अगर हम फोर के मल्टीपल्स लेंगे तो फोर के मल्टीपल्स है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी सिक्स एंड लास्ट फोर्टी। सिक्स के मल्टीपल क्या आएंगे? सिक्स के मल्टीपल आएंगे सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स एंड लास्ट सिक्सटी। फाइव के मल्टीपल क्या आएंगे? फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव एंड लास्ट फिफ्टी। ये है फाइव के मल्टीपल्स। तो चलिए हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो फोर यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं। अगर हम इन दोनों में देखें तो फोर नहीं है। एट एट है क्या? एट भी नहीं है। ट्वेल्व ट्वेल्व इसमें है, इनमें भी है लेकिन इसमें ट्वेल्व नहीं है। सिक्सटीन सिक्सटीन भी नहीं, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। ट्वेंटी की हम बात करें इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो यहाँ पे लिखेंगे ट्वेल्व और इसके जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे लिखेंगे ट्वेंटी। उसके बाद ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर इसमें कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। उसके बाद ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। थर्टी टू, थर्टी टू भी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्टी सिक्स। उसके बाद फोर्टी, फोर्टी इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्टी। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स और इनके भी कॉमन फैक्टर्स निकल गए। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन है क्या। तो सिक्स इसमें नहीं है, ट्वेल्व भी इसमें नहीं है, एटीन भी नहीं है, ट्वेंटी फोर भी नहीं है, थर्टी है। तो थर्टी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो थर्टी जो है वो कॉमन है। उसके बाद थर्टी सिक्स इसमें नहीं है, फोर्टी टू भी नहीं है, फिफ्टी सिक्स भी नहीं है, लेकिन सिक्सटी जो है वो आ जाएगा अगर हम और नंबर्स इसमें ऐड करेंगे तो। तो यहाँ पे हमें सिक्सटी भी कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए, ठीक है। अगला है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फाइव, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फाइव एंड सिक्स डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। तो फाइव और सिक्स के जो कॉमन मल्टीपल्स है जो कि हमने ग्रीन वाले पार्ट में लिखे हैं वो कौन से थे? तो वो हमें दिख रहे हैं, वो है
30 और 60, ठीक है। व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो हम लिखेंगे ऑरेंज पार्ट में, और वो है 12 एंड 24। इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5? तो मतलब हमें वो कहाँ लिखना है, ग्रे पार्ट में। दे आर रिटन इन द ग्रे पार्ट। वॉट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60। सबसे कॉमन मल्टीपल क्या आया है, 60 आया है। 4, 6 एंड 5 तीनों मल्टीपल्स में 60 मल्टीपल कॉमन है। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है एक पजल है। फिर से और एक पजल हमें यहाँ पे दिए हैं जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें दिया है टर्मराइन सीड्स, ठीक है। टर्मराइन सीड्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सुनीता टुक सम टर्मराइंस, मतलब इमली के सीड्स क्या करती है सुनीता, लेती है। शी मेड ग्रुप्स ऑफ 5 विद देम, और वो 5 के क्या करती है, 5-5 के ग्रुप बनाती है। उसके बाद एंड फाउंड दैट वन सीड वॉज लेफ्ट ओवर, उसमें से एक सीड वो बाजू निकाल देती है। शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 6, और फिर से वो क्या करती है, 6 का ग्रुप बनाने की कोशिश करती है। एंड ग्रुप्स ऑफ 4, और 4 का ग्रुप बनाने की कोशिश करती है। इच टाइम वन सीड वॉज लेफ्ट ओवर, हर बार एक सीड वो साइड में रख देती है। वॉट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि सुनीता के पास बच गया है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, वी हैव सीन दैट, हमने देखा था कि दो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 का क्या था, 60 आया था। तो वही स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स का भी सुनीता के पास जो है उसका भी 60 आएगा, और प्लस 1 जो एक सीड वो लेफ्ट ओवर कर रही है उसमें वो ऐड कर देंगे तो 61 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर टर्मराइन सीड्स। अमीनी इज अरेंजिंग 12 टर्मराइन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। अमीनी क्या कर रही है, 12-12 टर्मराइन सीड्स क्या कर रही है, रेक्टेंगल्स में अरेंज कर रही है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टर्मराइन सीड्स, तो उसे और रेक्टेंगल्स क्या करने हैं, 12 सीड्स मिला के बनाने हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक, तो ऐसे कितने डिफरेंट रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं। इफ देयर आर 15 टर्मराइन सीड्स हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक, तो सबसे पहले तो हमें 12 के रेक्टेंगल्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते, अगर हम ये वाला देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। पूरा अगर हम करेंगे तो इस तरह से बन रहा है। अगर हम इस तरह से बनाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस तरह से और एक हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इस तरह से करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर इस तरह से बनाएंगे तो और एक रेक्टेंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, बहुत सारे क्या करने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं। लेकिन याद रहे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक रेक्टेंगल बन गया, देखो इस तरह से पूरे ग्रिड पर हमें क्या करने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो ऐसे 12 के जो सीड्स है उसके कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, 3 रेक्टेंगल्स कैन बी मेड यूजिंग 12 सीड्स। और उस स्क्वायर ग्रिड में भी जैसे कि हमने बनाया वैसे 12
स्क्वेयर्स के 3 रेक्टेंगल्स बनेंगे और 15 टर्मराइन सीड्स के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो उसके कितने रेक्टेंगल्स बनाएंगे, जो कि आपको खुद से इस ग्रिड पर बना के देखना है। तो उसके बनेंगे, देयर आर 15 टर्मराइन सीड्स, वी हैव रेक्टेंगल्स ऑफ दिस साइजेस, जैसे कि 1 × 15 मतलब 1/15, 3/5, इस तरह के 2 रेक्टेंगल्स हमारे 15 टर्मराइन सीड्स के बनेंगे। उसके बाद हमें बोला गया है, इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 10 और ये 10, इस तरह से 20 बॉक्सेस क्या किए हैं, दिए गए हैं। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस, तो इसकी विड्थ कितनी आएगी, इसकी विड्थ आएंगी 2 बॉक्सेस, ठीक है। व्हाट इज़ इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी आएंगी, ऑब्वियसली अगर ये 10 बॉक्सेस हैं तो इसकी लेंथ आएगी 10, ओके। तो इस तरह से हमने लेंथ और विड्थ इसकी निकाली, ठीक है। कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे, तो ऐसे ही हमें 20 बॉक्सेस के और रेक्टेंगल्स क्या करने हैं, बनाने हैं और कलर भी करने हैं, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड, तो कलर्ड बॉक्सेस की लेंथ एंड विड्थ होगी 5/4 और 20/1। इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, अगर आप 20 बॉक्सेस के रेक्टेंगल्स बनाते हो और इसे कलर करते हो तो, एंड राइट देन लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड, तो आप कितने लेंथ और विड्थ के रेक्टेंगल्स कलर कर रहे हो। तो ये 3 तरीके से रेक्टेंगल्स बनेंगे। एक उस ग्रिड पर 10/2 का बनेगा, 20/2 का बनेगा और 5/4 का बनेगा, ठीक है। मतलब 10/2, 20/2 एंड 5/4, इस तरह से वो ग्रिड हमें बनाने हैं। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और गेम्स हम खेलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंगल्स। बैंगल्स मतलब चूड़िया। देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड। अभी यहाँ पे आपको एक लड़की दिखाई दे रही होगी, उस लड़की के पास एक रॉड है, उस रॉड में कितने बैंगल्स हैं, उसमें है 18 बैंगल्स, ठीक है। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम। अब मीना क्या कोशिश कर रही है, अलग अलग कलर्स के ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रही है। शी कैन पुट देम इन ग्रुप्स, तो उसने ग्रुप्स किस किस के बनाए, 2, 3, 6, 9 एंड 18, इसके उसने क्या किए, ग्रुप्स बनाए विदाउट एनी बेंगल बिंग लेफ्ट, एक भी बेंगल उसने खोने नहीं दी, ठीक है। सो हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बेंगल ईच, तो उसने ऐसे कितने ग्रुप्स बनाए अगर वो एक ग्रुप से भी स्टार्ट करती है तो। उसके पास बैंगल्स कितने हैं, 18 बैंगल्स है, तो अगर एक एक बैंगल्स का हम ग्रुप बनाएंगे, सिर्फ एक एक बैंगल्स का, तो वैसे 18 ग्रुप्स उसके बनेंगे, क्योंकि बैंगल्स कितने हैं, 18 बैंगल्स है। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स फॉर ईच नंबर, सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड। तो हमें क्या करना है, टेबल क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स हमें लेने हैं, फॉर ईच नंबर हर एक नंबर के लिए हमें ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैंगल्स कितने हैं, 18, तो डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक। तो 18 के लिए हमें 1, 2, 3, 6, 9 और 12 क्या किए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, जो कि 18 के क्या हैं, मल्टीपल से, फैक्टर से, ठीक है। 24 के क्या आएंगे, तो 24 के आएंगे 1, 2, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 24 किसके टेबल में आता है, तो 24 आता है 3 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 4 के टेबल में भी हाँ आता है, 3 8 24 होता है, 4 6 24 होता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 4 24 होता है, इसके बाद
सेवन के टेबल में नहीं आता है, एट के टेबल में आता है। तो एट थ्री ज़ार 24 होता है। नाइन के टेबल में नहीं आता है, टेन के टेबल में भी नहीं आता है, इलेवन के टेबल में नहीं आता है, ट्वेल्व के टेबल में आता है, ट्वेल्व टू ज़ार 24। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गए, 24 के सारे मल्टीपल हो गए। ठीक है, उसके बाद है फाइव। तो फाइव सबसे पहले लिखेंगे वन ग्रुप से फाइव के, ठीक है, मल्टीपल से जिसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इस तरह से बन रहे हैं। उसके बाद नाइन, नाइन का क्या आएगा, नाइन आएगा सबसे पहले तो नाइन वन के इसमें उसका आता है, टू के इसमें नहीं आएगा, थ्री के इसमें आता है, नहीं आएगा उस डायरेक्ट आएगा नाइन। सेवन, सेवन के ग्रुप्स बनेंगे वन और सेवन, ये दो ग्रुप्स बनेंगे सेवन के। टू के वन और टू, ये दो ग्रुप्स टू के बनेंगे। अगर हम टेन के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे तो वन टू फाइव और टेन, ये चार ग्रुप बनेंगे। एक का ग्रुप एक ही होता है। उसके बाद थर्टीन का आएगा वन एंड थर्टीन। ट्वेंटी के ग्रुप्स आएंगे वन टू फोर फाइव टेन और ट्वेंटी। थर्टीन के आएंगे वन एंड थर्टीन। एंड लास्ट ट्वेंटी वन के वन थ्री सेवन एंड ट्वेंटी वन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल द चार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट को यहाँ पे फिल करेंगे। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। मल्टीप्लिकेशन टेबल तो हमें अच्छे से याद है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि वन मल्टीप्लाइड बाई वन इज वन होता है, वैसे ही सेम टू मल्टीप्लाइड बाई वन क्या होता है, टू मल्टीप्लाइड बाई वन इज टू, थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन इज थ्री, फोर मल्टीप्लाइड बाई वन इज फोर, फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन इज फाइव, सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन इज सिक्स, वैसे ही सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व आता है। उसके बाद जैसे कि टू मल्टीप्लाइड बाई वन या फिर वन मल्टीप्लाइड बाई टू टू आता है, वैसे ही टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर। तो यहाँ पे आएगा टू का टेबल, यहाँ पे आएगा थ्री, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज सिक्स, वैसे ही सेम थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू इज सिक्स, यहाँ पे एट टेन, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी, टू इलेवन जा ट्वेंटी टू और टू ट्वेल्व जा 24। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बन गया वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे टू का टेबल फिर से बन रहा है, यहाँ पे थ्री का बन रहा है, यहाँ पे फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड फाइनली ट्वेल्व। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारे टेबल्स बन रहे हैं, और वो कॉमन जो मल्टीपल यहाँ पे हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से करें, थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन इज थ्री, और यहाँ पे टू का टेबल यहाँ पे बन रहा है, टू टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू एट जा सॉरी टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन और टू सिक्स जा ट्वेल्व। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे कि टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स ट्वेल्व होता है, वैसे ही सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू क्या होता है, ट्वेल्व होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये सारे तो मल्टीप्लाइड बाय वन है और ये ट्वेल्व है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि थ्री का टेबल हमें दिया है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन। इस तरह से यहाँ पे थ्री का टेबल बन रहा है, यहाँ पे टू का बन रहा है। तो जैसे कि थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर इज ट्वेल्व, वैसे ही फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज ट्वेल्व, ऐसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। वैसे ही ट्वेल्व का थ्री मल्टीप्लाइड बाय मतलब थ्री फोर जा ट्वेल्व, वैसे ही फोर थ्री जा ट्वेल्व भी आता है। सेम यहाँ पे वैसे ही है, टू सिक्स जा ट्वेल्व, वैसे ही सिक्स
टू जा 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे टेबल्स यहाँ पे लिख देंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। आपको भी मेरे साथ क्या करना है, बोलना है, तभी आपको समझ में आएगा। 11 टू जा होता है 22 और 12 टू जा होता है 24, ठीक है। वैसे ही सेम 3 का टेबल अगर हम लिखेंगे तो 3 7 जा इज 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 36। अभी हम देखेंगे कि ये कॉमन मल्टीपल कैसे आ रहे हैं, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 और 3 12 जा, मतलब 12 3 जा सेम 36, ठीक है, सेम आ रहे हैं। यहाँ पे भी 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखिए यहाँ पे जैसे कि 4 5 जा 20 आ रहे हैं, वैसे ही सेम 5 4 जा क्या आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो इसे हम शेड करेंगे क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। 4 और 5 का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। 4 6 जा होते हैं 24, 4 7 जा, 4 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36 और 10 4 जा 40, या फिर 4 10 जा 40। वैसे ही सेम 4 11 जा, या फिर 11 4 जा 44 और 12 4 जा 48, ओके। वैसे ही सेम यहाँ पे 5 का टेबल, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 and last 60, ठीक है। यहाँ पे 6 का टेबल अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से भी हम जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका तो ये कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखो 3 का टेबल आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। देखिए यहाँ पे 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21 एक ही आ रहे हैं। उसके बाद 3 8 जा 24। अभी हम ऐसे कर रहे थे, अभी हम ऐसे कर रहे हैं। मैं जानबूझ के आपको अभी ऐसे करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कॉमन मल्टीपल कैसे आ रहे हैं। उसके बाद 9 3 जा 27, 10 3 जा 30, 11 3 जा 33 और 12 3 जा 36, ठीक है। उसके बाद ये 4 का टेबल है, तो 4 का टेबल कैसे, 4 1 जा 4 6 जा क्या आएगा 24 और 4 7 जा, या फिर 7 4 जा आता है 28, ठीक है। ये कॉमन मल्टीपल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। 4 8 जा 32 और 8 4 जा 32, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36। देख रहे हैं आप, 4 10 जा जैसे 40 आता है, वैसे ही 10 4 जा भी 40 आता है। ये इसका है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 4 11 जा 44, वैसे 11 4 जा 44, 4 12 जा क्या आता है, 4 12 जा आता है 48, उसी तरह से 12 4 जा 48, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अभी ये 5 की सीरीज आ रही है, यहाँ तक हम आ गए थे 30, आगे लिखेंगे 35 40 45 50 55 60, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। अभी ये जो है 6 का है यहाँ पे, तो 6 5 जा 30, वैसे ही 5 6 जा 30, उसके बाद 6 6 जा 36, ठीक है। 6 multiplied by 6 is 36, 7 6 जा 42, 42, ठीक है। 8 6 जा 48, 9 6 जा 54, 10 6 जा 60, 11 6 जा 66, वैसे 6 11 जा 66, ठीक है। आया समझ में? तो जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है वो अच्छे से कर रहे होंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो करके देख, उनको करके देखना है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारा जो है वो
सारे जो है वो टेबल इस तरह से हमने लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे 12 सिक्स आता है 72। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये जो कलर्स यहाँ पे दिए थे वो सारे क्या थे, कॉमन मल्टीपल्स थे। तो यहाँ पे हमने 12 जो है सबसे मायने रखता है कि 12 किन किन के मल्टीपल हैं। तो 12 जो मल्टीपल हैं वो है 4 3 12, उसके बाद 4 3 4 12, मतलब अगर हमें 12 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 3 और 4 आएंगे। ठीक है, उसके बाद है 2 6 12, वैसे ही 6 2 12। ठीक है, तो बाकी का जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, बाकी आपको घर पे करके देखना ही है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। हमें क्या करना है, इन जो ग्रीन बॉक्सेस हमें दिए हैं उसकी तरफ देखना है। दिस शो हाउ वी कैन गेट 12 by multiplying different numbers। हमें बताया गया है कि 12 जो है वो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन से कैसे आता है, जैसे कि यहाँ पे 4 × 3 दिया है तो 12 आता है। सो 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 और 3। तो 12 क्या है, 4 और 3 का क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि वो दोनों के टेबल में आता है। इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6 और 2। वैसे आप अगर देखोगे तो 2 6 2 × 6 = 12 एंड 6 × 2 = 12। ठीक है, एंड 1 वी से 1 2 3 4 6 और 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 और 12 क्या है, 12 के फैक्टर्स है, क्योंकि ये सारे क्या आते हैं, 12 के टेबल में, 12 इनके टेबल में आता है। ठीक है, तो वैसे ही व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे। तो जैसे कि हमें पता है 12 सबसे पहले तो 1 आएगा ही, क्योंकि 1 के 1 का जो टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहाँ पे आता है, इसलिए 1 आएगा। उसके बाद 2 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 2 5 क्या आता है, 10। तो अभी जैसे कि हमने देखा 2 5 10 आता है, तो 5 2 10 ही आता है, तो 2 और 5 इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद 3 के टेबल में आप अगर 3 का टेबल बोल के देखोगे तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, उस ऐसे ही 4 के टेबल में भी नहीं आता है, वैसे ही सेम 5 के टेबल में आता है, और 6 के 7 के इसके टेबल में भी नहीं आता है, 7 के भी नहीं आता है, डायरेक्टली क्या आता है, 10 1 10 डायरेक्टली। तो ये सारे क्या हो गए, 1 2 5 10, 10 के फैक्टर्स हो गए। कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। तो यही हमने क्या किया, चार्ट में करके देखा कि 1 × 10, वैसे सम 10 × 1 = 10, 2 × 5 = 10, वैसे ही 5 × 2 = 10। ठीक है, तो ऐसे हमने चार्ट में भी करके देखा है। तो अगर आप चार्ट पूरा तरह से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 36 के फैक्टर्स अगर डायरेक्टली आपको निकालते नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड मैंने आपको बताया था कि डिवाइड कैसे करता है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 36, 1 तो फैक्टर सबका रहता ही, लेकिन क्या 2 से 36 के टेबल डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से 36 को डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि हमें इसके निकालने हैं फैक्टर, 36 के निकालने हैं फैक्टर्स। तो 2 1 2 सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि वो 3 से क्या है, छोटा है, 3 से 2 गया 1, और ये 6 जो है वो नीचे आ जाएगा, 2 8 16। ठीक है, 2 8 क्या आता है, 16। तो यहाँ पे अगर नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। उसके बाद अगर हम 3 से करेंगे,
तो 3 से मल्टीपल हो 0 आता है क्या, वो हम देखेंगे। तो 3 वन जा 3, इसे यहाँ पे 6 हमारा नीचे आ जाएगा, 3 टू जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3 12 क्या होता है, 36 होता है, नीचे 0 आया, इसका मतलब ये है कि 3 भी क्या है, उसका फैक्टर है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, अभी हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो 4 36, तो 4 जो है 4 1 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या है, 3 से बड़ा है। 4 2 8 भी नहीं आएगा, करो 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 36, यस 4 8 36, और यहाँ हमें मिल जाता है 0। तो 4 जैसे 8 36 है, वैसे ही सेम 8 4 36 होंगे। तो इसका मतलब 4 और 8 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो हमें बिना देर किए यहाँ पे लिख लेना चाहिए। उसके साथ 5 के टेबल में अगर आप देखोगे तो 36 नहीं आता है, 6 के टेबल में अगर आप देखोगे तो 6 के टेबल में आता है 6 6 36, 6 6 क्या आता है, 36 आता है। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 का हमने लिख लिया। 9 के टेबल में आता है क्या, वो हमें देखना है। तो 9 का हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, एंड 9 4 36, ठीक है। तो 9 4 क्या आता है, 36 आता है। तो जैसे 4 के टेबल में 36 कब आता है, तो हम ये देखने वाले हैं। सो अभी हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 36 आता है या नहीं, हम करेंगे इसको डिवाइड। सो 4 1 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है। तो 4 2 8 भी नहीं आएगा, 4 3 12 नहीं आएगा, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, और 4 9 आता है 36, यस हमें मिल गया है 36, 36 माइनस 36 इज 0। तो यहाँ पे नीचे 0 आया है, इसका मतलब 4 और 9 क्या है, हमारे फैक्टर से। सो 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 9 भी लिख लेंगे। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। जैसे कि हमने ये मल्टीप्लिकेशन चार्ट यहाँ पे बनाया है, उस मल्टीप्लिकेशन चार्ट में हम चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक ही हैं, लेकिन 2 को हमने 36 से डिवाइड करके देख लिया है कि 2 के टेबल में 36 क्या है, 36 का फैक्टर है। उसके बाद जैसे ही 3 का हम देखेंगे तो 3 12 होता है 36, और 12 3 होता है 36, इसका मतलब 3 क्या है, उसका फैक्टर है। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो 4 × 9 क्या है, 36 है, वैसे ही सेम 9 × 4 भी क्या है, 36 है। इसका मतलब 9 और 4 क्या है, उसके फैक्टर्स है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चार्ट से हम चेक करके देख सकते हैं, इसीलिए हमने वो पूरा क्या किया था, फिलअप किया था, ठीक है। हमें टेबल्स तो आते हैं, लेकिन कॉमन मल्टीपल फैक्टर जो है वो हमें पहचानने में थोड़ी देर लग सकती है, ठीक है, इसलिए हम वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। तो सबसे बड़ा नंबर आपने इस चार्ट में कौन सा ढूंढा है कि जो कि फैक्टर है, तो
तो जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि 72 जो हैं वो क्या हैं, सबसे बड़ा नंबर है, जो कि 8 9 72 आता है और 9 × 8 क्या आता है, 72। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है हमारा, 72। वॉट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर दैन दैट। अगर आपको फैक्टर्स निकालने के लिए बहुत बड़े नंबर मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया डिवीजन मेथड, आप क्या करोगे, सबसे इजी वे से आप करोगे, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉमन फैक्टर। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल। हमें इस रेड सर्कल में क्या करने हैं, 25 के फैक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल, और इस ब्लू सर्कल में क्या करने हैं, 35 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें रेड सर्कल में 25 के फैक्टर और 35 के फैक्टर ब्लू सर्कल में। विच आर द फैक्टर्स यू हैव रिटर्न इन द कॉमन पार्ट पर्पल ऑफ बोथ सर्कल। ये जो पर्पल पार्ट हमें दिया है जो कि दोनों सर्कल को क्या कर रहा है, मिला रहा है, तो उसको मिला के यहाँ पे बीच में जो पर्पल पार्ट हमें आएगा उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35। जैसे कि देखो यहाँ पे आएगा 25 के फैक्टर्स और यहाँ पे आएंगे 35 के फैक्टर्स। ओके, तो 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो जैसे कि हम देख सकते हैं 2 के टेबल में 25 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, आप चाहे तो टेबल बोल के देख सकते हो। उसके बाद 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 5 25। 6 के टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से एक फैक्टर तो हमें मिल गया। उसके बाद अगर हम 35 की बात करें तो 35 आता है 5 के और 7 के टेबल में, ठीक है। तो 5 और 7 उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी आगे देखो क्या बोला है, नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन द रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। अभी हमें क्या करना है, 40 और 60 के क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, 40 एंड 60 का हमें बताया है कि फैक्टर्स हमें निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 40 एंड 60 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो राउंड बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 60, ठीक है। ये है 40 का सर्कल और ये है 60 का सर्कल, और ये दो सर्कल जो मैंने बनाए हैं वो इस तरह से दोनों को ज्वाइन किया है कि यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर दिखते आ सकेंगे, ठीक है। तो 40 का अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो डिवाइड का, जैसे मैंने आपको बोला था 2 से हम ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं कि फैक्टर क्या आता है। तो हम जैसे देखेंगे कि 2 2 क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 − 4 हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये जो 0 है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे और एक 0 ऐड करके इसको भी माइनस करके फिर से क्या नीचे करेंगे, 0। इसका मतलब ये है कि 2 से और 20 से क्या होता है, सबसे पहले 40 का फैक्टर आता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2। 3 का अगर हम देखेंगे, 3 का टेबल आप बोल के देखिए, 3 के टेबल में 40 नहीं आता है। उसके बाद 3 के बाद आता है 4, तो 4 का हमें पता है 4 × 40 आता है, तो 4 का वो फैक्टर है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के टेबल में आता है 5 × 8 = 40। इसका मतलब 5 और 8 ये 40 के फैक्टर है,
अगर हम 6 की बात करें तो 6 के टेबल में 40 नहीं आता है। 7 की बात करें तो 7 के टेबल में भी 40 नहीं आता है। और 8 जो कि हमें 5 के टेबल में ही पता चल गया था कि जैसे कि 5 8 जा 40, वैसे ही 8 5 जा 40। ठीक है, अगर हम 9 की बात करें तो 9 के टेबल में 40 नहीं आता है, लेकिन 10 के टेबल में आता है, 10 4 जा 40। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सीधा 20। तो यहाँ तक इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए 40 के। अभी 60 के निकालेंगे, तो 60 का जैसे हम डिवाइड करके देखेंगे कि 60 2 के टेबल में कहाँ आता है। तो 2 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे 6 हमें मिल गया, 6 माइनस 6 इज 0, 0 नीचे आ गया। यहाँ पे 0 के लिए हम यहाँ पे और एक 0 ऐड करेंगे और इसको माइनस करके फिर से नीचे 0 लिख देंगे। यहाँ पे नीचे 0 आया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है। तो यहाँ पे हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। और 3 क्या है, 3 3 2 जा 6 होता है, मतलब 32 जा 60 होता है। तो 3 10 जा भी 30 आता है, 3 1 जा 3 3 10 जा 30, वैसे ही सेम 32 जा 60 आता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 30 भी आ जाएंगे। 6 के टेबल की अगर हम बात करें तो 6 10 जा होता है 60, तो 6 और 10 10 6 जा 60 6 10 जा 60। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के टेबल में 60 नहीं आता है। 5 की बात करें तो 5 के टेबल में भी नहीं आता है। उसके बाद अगर हम 5 का टेबल और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि 5 11 जा 55 और 5 12 जा, मतलब 12 5 जा अगर हम करें तो क्या आता है, 60 आ जाता है, 12 5 जा 60 आता है। उसके बाद अगर 7 की बात करें तो 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, 11 के टेबल में भी नहीं आता है, सीधा 12 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है, 5 एंड 2। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसके कॉमन फैक्टर है जो कि हमें 40 और 60 के मिले हैं। सबसे स्मॉल वाला कॉमन फैक्टर है 2 और सबसे बिग वाला कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं फैक्टर ट्री। अभी इस फैक्टर से बहुत बड़ी क्या बन सकती है, ट्री बनती है। मतलब जैसे जैसे हम फैक्टर्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ट्री आगे, हमारे ब्रांचेस उसके बढ़ते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये फैक्टर ट्री क्या है। लुक एट द फैक्टर ट्री, नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। अभी हम देखते हैं कि ये फैक्टर ट्री बनती कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है 18 का, तो 18 की यहाँ पे फैक्टर ट्री बनाए हैं। 18 किसके टेबल में आता है, तो 18 आता है सबसे पहले 9 2 जा 18। तो 9 2 जा 18 हमने यहाँ पे दो फैक्टर इसके मिल गए। तो अभी इसमें 2 का फैक्टर नहीं पड़ेगा, नहीं आएंगे, अभी निकलेंगे 9 के फैक्टर। तो इसीलिए 9 के जो फैक्टर है वो आते हैं 3 3 जा 9। तो और इसके ब्रांचेस अभी यहाँ पे दो बढ़ गए। अभी यहाँ पे देखें तो 3 और यहाँ पे 3 का फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए ये ट्री यहीं पे रुक गई। सेम हमें यहाँ पे और एक बार बोला है कि 18 के और फैक्टर्स आते हैं, वो हमें निकाल के देखने हैं। तो जैसे कि आप देखोगे 18 जो है वो 6 3 जा या फिर 3 6 जा के टेबल में आता है। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स अभी नहीं पड़ेंगे क्योंकि ठीक है, तो 6 के ले आते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इस तरह से हमने 18 के और फैक्टर्स हमें मिल गए। तो इसी तरह से हमने जैसे कि देखा कि जो एक
जो नंबर होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे ट्री बन सकती हैं और उसके ब्रांचेस भी हम फैक्टर्स के हिसाब से बना सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24? ड्रॉ थ्री ऑफ देम बिलो। अभी यहाँ तो भैया डायरेक्टली हमें क्या बोला है कि 24 के फैक्टर तीन ट्री बनाओ, 24 के तीन ट्री फैक्टर बनाओ। तो 24 सबसे पहले हमें देखना होगा कि 24 कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले 24 बोलते ही आपके मन में जो टेबल आता होगा, आपके अगर टेबल लर्न है अच्छे से तो आपको फटाक से समझ गया होगा। तो सबसे पहले मेरे मन में तो आ रहा है कि 6 फोरजा क्या होता है, 6 फोरजा होता है 24। तो मैं एक सर्कल में लिखूंगी 6, दूसरे सर्कल में लिखूंगी 4। और जैसे कि मैं यहाँ पे 4 को और डिवाइड कर सकती हूँ और इसके 4 के फैक्टर्स बना सकती हूँ। सबसे इजी आपको पता है 2 2 जा 4, ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 2 जा 4। वैसे ही सेम 6 के भी आ सकते हैं, 6 के आएंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल डिजिट आ गए हैं जिनके फैक्टर्स नहीं आ सकते हैं, तो यहीं पे हमारी ट्री रुक जाती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 24, तो 24 बोलते ही हमारे मन में आता है 3 का टेबल, 3 का या फिर 8 का टेबल, बोले 8 3 जा 24 या फिर 3 8 जा 24। तो यहाँ पे आता है 8 और यहाँ पे आता है 3, ठीक है। तो 3 के टेबल में 8 जो है, 8 के फैक्टर्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 8 के फैक्टर्स से हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, ऐसे आ सकते हैं। अभी 2 के फैक्टर्स तो नहीं आ सकेंगे लेकिन 4 के फैक्टर्स आते हैं। तो 4 कैसे आता है, 4 आता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, ये आते हैं 4 के फैक्टर्स। अभी यहीं पे हमारी ट्री क्या है वो रुक गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम 24 की और बात करें तो 24 आता है 12 के टेबल में भी। तो 12 के टेबल में 12 2 जा 24, ठीक है, आप चाहे तो टेबल बोल के देख सकते हो, 12 2 जा 24 आता है, 12 के फैक्टर्स आएंगे। 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 2 जा 12, 2 6 जा करो या फिर 6 2 जा करो, 12 आते हैं। अभी 2 के फैक्टर्स नहीं आएंगे लेकिन 6 के आएंगे, 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 2 जा 6। ये वाली ट्री जो है वो भाई हमारी बहुत बड़ी क्या है, बन गई है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हमें मिले हैं। तो एक बात तो हमें यहाँ पे समझ गई है कि एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि एक नंबर बहुत सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये एक बात तो हमारे यहाँ पे समझ में आ गई। ट्राई ड्राइंग द फैक्टर ट्री यूजिंग द नंबर ऑल्सो। अभी आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स अगर आप खेल रहे हैं तो एक दूसरे को ऐसे ही कोई भी नंबर देना है और उसके फैक्टर्स निकाल के देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टीलिंग प्रॉब्लम्स। अभी ये टीलिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, टाइलिंग जब हम लगाते हैं तो ये टाइलिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स हम कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे, मैं आपको बता के दिखाती हूँ कि टाइल्स जो लगते हैं वो सेम इसमें लगते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दीवार पे टाइल्स लगाई है, ठीक है, तो ऐसे टाइल्स लगते हैं। अभी आप देखोगे तो ये जो टाइल्स है ये सीधी सीधी क्या हो रही है, जा रही है, यहाँ पे कहीं भी कट करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइल्स ऐसे ही लगाई जाती है, कहीं पे भी कट उसे नहीं किया जाता है। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर इज़ अ गार्डन
इन अनुज हाउस। देखिए अनुज हाउस का एक गार्डन है, गार्डन आपको पता होगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे फेवरेट फ्लावर्स के पौधे हम लगाते हैं, वैसा गार्डन अनुज के हाउस में भी था। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ। अभी उन्हें क्या करना था, गार्डन के बीच में एक रास्ता बनाना था टाइल्स से। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 feet, 3 feet and 5 feet। अभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम टाइल्स से जो पाथ बनाने वाले हैं, जो रास्ता बनाने वाले हैं, वो उसकी लेंथ होनी चाहिए 2 feet, 3 feet और 5 feet। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर सिर्फ 2 feet की बात करते तो 2 feet की टाइल्स जो होती हैं वो सेम, समझ लीजिए ये 2 feet की टाइल्स है, तो 2 feet की जो टाइल्स है वो सेम ऐसी लगती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 जो है वो 2 feet की टाइल्स लगा दी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 feet के साथ साथ 3 feet की भी टाइल्स लगानी है। तो 3 feet की अगर टाइल्स की हम बात करें तो वो थोड़ी बड़ी आ सकती है। इस तरह से देखिए वो 3 feet की जो टाइल्स है वो लग जाएगी। अगर हम 3 feet की बात करें तो ये थोड़ी सी बड़ी आएगी और इस तरह से दीवार पर दिखेगी। ठीक है, और अगर और वो बोल रहे हैं कि हमें 2 feet, 3 feet के साथ 5 feet की भी हमें उसी के साथ टाइल लगानी है, तो 5 feet की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी और वो बड़ी आएगी। ठीक है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये जो टाइल्स हैं ये कुछ इस मैनर में लगी है, तो ऐसे तो टाइल्स नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसी यहाँ पे कम, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, ऐसे टाइल्स लगा के हाँ वो अच्छा भी नहीं दिखेगा और ऐसे टाइल्स लगाते भी नहीं हैं। और यहाँ पे अगर हमने ज़बरदस्ती लगा भी दी तो हमें कट करके लगानी पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे हमें बोला है द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 feet टाइल्स। सबसे पहले फर्स्ट रो में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 2 feet की टाइल लगानी है। द सेकंड रो विथ 3 feet टाइल, सेकंड रो में जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया 3 feet की टाइल्स लगानी है। उसके बाद एंड द थर्ड रो विथ 5 feet टाइल्स, और तीसरी रो में 5 feet की टाइल्स लगानी है। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल, और वो उन्होंने बोला है कि कोई भी टाइल कट नहीं करनी है। 2, 3 और 5 feet की जो टाइल्स आप लगाओगे वो बिल्कुल एक मैनर में लगानी है, कहीं पे भी उसको कट नहीं लगेगा। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो अभी आप सोचिए कि यहाँ पे रास्ता कैसे बनेगा विदाउट कट किए। अभी ये 2, 3 और 5 feet की जो टाइल है वो तो एक जैसी नहीं रहेगी, उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो बिना कट किए इसको कैसे लगाने हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 2 feet की टाइल्स और 3 feet की और 5 feet की टाइल्स अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमें बाकी जो रास्ता है, सपोज़ यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें कट कट टाइल्स को कट कर करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम मैनर में हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इन टाइल को कट भी ना करें और हमें सेम मैनर में बिना कट किए वो जितना पाथ चाहिए उतना टाइल्स लग भी जाए, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये जो टाइल्स है वो सेम मैनर में बिना कट करके जितना पाथ है वहाँ तक ही अगर हमें लगाना है तो हमें सबसे पहले करना होगा इनके मल्टीपल निकालने होंगे। सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले 2, 3 और 5 के जो मल्टीपल्स है वो हमें लेने पड़ेंगे। तो मल्टीपल्स मतलब जिससे वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो जैसे कि 2 का टेबल हमें सबसे पहले लिखना होगा ताकि हमें इसके मल्टीपल्स आसानी से मिल जाए। तो 2 का टेबल हमें पता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड फाइनल 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 3 का टेबल, 3 के मल्टीपल
हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3 का टेबल लिखना पड़ेगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 एंड 3 10 30। ओके, 5 के मल्टीपल निकालने के लिए हमें 5 का टेबल लिखना पड़ेगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और एंड लास्ट 5 10 50। अभी आप देख सकोगे कि यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बड़े से अगर स्टार्ट करें तो हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था कि कॉमन मल्टीपल के लिए हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसके उसके नंबर से स्टार्ट करना है। तो 5 सबसे पहले आता है, तो 5 तो दोनों टेबल में नहीं है, ठीक है। 10 हम देख सकेंगे कि 10 जो है वो 2 में है लेकिन 3 में नहीं है, ठीक है। 2 और 5 में है लेकिन 3 में नहीं है, तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम 15 की बात करें तो 15 3 के टेबल में है लेकिन 2 के टेबल में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 20 की बात करें तो 20 जो है वो 2 के टेबल में भी है लेकिन 3 के टेबल में नहीं है, तो 20 भी नहीं आएगा। 25 की बात करें तो 25 जो है वो 2 के टेबल में भी नहीं है और 3 के टेबल में भी नहीं है। 30 की बात करें तो अगर 30 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है और 2 का टेबल हमने 20 तक की लिखा है, तो चलिए देखते हैं कि आगे 2 का मल्टीपल में 30 आ रहा है कि नहीं। तो 22 प्लस 2 करते जाएंगे, 24, 26, 28 एंड फाइनल एंड एट लास्ट 30 जो है वो हमें मिल ही गया। तो यहाँ पे जो है 32 के टेबल में, 3 के टेबल में और 5 के टेबल में भी हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 है ये 2, 3 और 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो अगर हम 2 फिट के जो टाइल्स है वो 30-30 लगाएंगे, मतलब 2 फिट के टाइल्स हम क्या करेंगे, 30 लगाएंगे, उसके बाद 3 फिट के टाइल्स अगर हम इस तरह से 30 लगाएंगे और 5 फिट के जो टाइल्स है वो हम इस तरह से लगाते जाएंगे, यहाँ तक लगाते जाएंगे, तो हमें क्या होगा, हमें जो है वो सेम जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 30 तक आपको क्या करना है, निकाल के देखना ही है कि आते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने जो है आधे ही निकाले हैं, आप 30 तक निकाल के देखो, आपको बराबर 2 फिट, 3 फिट और 5 फिट के जो टाइल्स है वो एक मैनर में बिना कट किए आप को लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप निकाल के देखिए, आपको आप देख सकोगे कि बिना कट किए हम जो 2 फिट, 3 फिट, 5 फिट के जो टाइल्स है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिस्त्री लोग जो है वो अपना दिमाग चलाते हैं और टाइल्स लगाते हैं, ताकि हमें हमारे जो टाइल्स है वो कट ना करना पड़े, करनी पड़े, या फिर कहीं पे वेस्ट ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस। मनोज क्या कर रहा है, अपना नया घर बना रहा है। He wants to lay tiles on the floor. अभी जैसे कि हम सब लगाते हैं अपने नए घर में टाइल्स, वैसे ही मनोज भी लगा रहा है अपने घर में टाइल्स। The size of the room, लेकिन उसके रूम की जो साइज है वो है 9 feet और 12 feet, मतलब 9 by 12। In the market, there are 3 kinds of square tiles. और उसे जब वो मार्केट में टाइल्स लेने के लिए गया तो उसे 3 प्रकार के स्क्वायर टाइल्स मिले। 1 feet 1 by 1, मतलब 1 foot by 1 foot, 2 feet by 2 feet एंड 3 feet by 3 feet, ऐसे टाइल्स उसे मार्केट में मिले। विच साइज ऑफ टाइल वुड ही बाय फॉर हिज रूम। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जो रूम की साइज़ है वो 9 feet by 12 feet है,
तो वो 1 फुट बाय 1 फुट की ले, 2 फिट बाय 2 फिट की ले, या फिर 3 फिट बाय 3 फिट की ले, कौन से टाइल वो अपने रूम में लगाने के लिए ले, सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। ऐसे टाइल उसको लेनी है जो जिसको वो कट करने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से लग भी जाए। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले तो अगर हम 1 फिट अगर हम 1 फिट बाय 1 फिट की बात करें तो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, समझ लीजिए यह है 9 फिट, और यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए कि ये क्या है 12 फिट। ठीक है, हमें चाहिए है, सपोज समझ लीजिए ये 12 फिट का है, यहाँ से यहाँ तक है 12 फिट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है 9 फिट, 9 फिट। तो अगर हम 1 बाय 1 की बात करें, 1 फिट बाय 1 की बात करें, तो जैसे कि हम यहाँ पे 1 बाय 1 की 12 जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, सारे इसमें यहाँ पे 12 और यहाँ पे हम 9 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो हर इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो 1 बाय 1 की टाइल्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 बाय 2 की अगर हम बात करें, 2 बाय 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ तक हमारा है 12 फिट और ये है 9 फिट, तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बिना कट किए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 टाइल्स आराम से क्या कर सकते हैं, 2 फिट की लगा सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए ये क्या है, 12 फिट है, ठीक है। लेकिन अब बात आई 9 की, तो 9 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, और अगर हम ए टाइल लगा भी लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक टाइल बच जाएगी, ठीक है, एक टाइल क्या होगी, बच जाएगी। तो हम 9 टाइल्स 2 बाय 2 की यहाँ पे फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3 बाय 3 की बात करें, 3 फिट बाय 3 फिट की बात करें, ठीक है, 3 फिट बाय 3 फिट की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा है 12 फिट और यहाँ से यहाँ तक है हमारा 9 फिट, तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो अगर हम 3 3 के फिट, 3 फिट के टाइल्स अगर हम यहाँ पे 12 लगा सकते हैं, ठीक है, कितने लगा सकते हैं, हम 3 बाय 3 के जो टाइल्स है वो हम यहाँ पे 12 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 बाय 3 के 12 टाइल्स लगा लेते हैं, तो यहाँ पे भी 9 जो टाइल्स है वो हम लगा पाएंगे, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो आप अगर देख सकोगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइल्स जो है वो बिना कहीं पे कट किए हम लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 जो है वो 12 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, वो 3 के टेबल में भी आता है 12 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए वो अच्छी तरीके से बिना कट किए हम लगा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सेम हमें वैसे ही दिया है,
रानी गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। यहाँ पे हमें तीन हाउस दिख रहे हैं, एक है रानी का हाउस, एक है गीता का हाउस और ये है नसीमा का हाउस। तो इन तीनों हाउस में हमें दिखाई दे रहा है कि वो तीनों क्या है, एक के बाद एक, मतलब एक के बाजू में एक ऐसे खड़े हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज 90 feet। लेकिन उनके यहाँ पे जो रोड निकल रही है, रोड से जो भी रास्ता निकल रहा है वो 90 feet का है। तीनों का क्या है, सेम है। दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने तय किया टू टाइल द पाथ टू द रोड, कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रोड है जो कि मेन रोड से अटैच है उनको हम टाइल्स लगा देंगे। दे ऑल अबाउट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस एंड लेंथ। और वो तीनों क्या करते हैं, ऑब्वियस है तीनों औरतें हैं तो उनकी चॉइस भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो वो क्या करते हैं, तीनों अलग अलग डिजाइंस की क्या करती है, टाइल्स लाती है। रानी अबाउट द शॉर्टेस्ट टाइल, रानी को छोटी वाली टाइल्स बहुत पसंद आती है तो वो वही लाती है। गीता अबाउट द मिडल साइज वन, गीता क्या करती है, मिडल साइज की टाइल लाती है। एंड नसीमा अबाउट द लॉन्गेस्ट वन, और नसीमा को बड़ी बड़ी टाइल्स पसंद आती है इसलिए वो वैसी लाती है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, रानी छोटी वाली टाइल लाती है, गीता मिडल साइज की लाती है और नसीमा लॉन्गेस्ट वन, मतलब नसीमा को बड़ी वाली टाइल पसंद आती है। इफ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल, और उन्हें भी टाइल्स बिना किस कहीं कट किए लगानी होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल ईच हैज अबाउट, तो उस तो कौन सी साइज उन्हें लेनी चाहिए। व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल्स ईच दैट अबाउट, तो उन्हें कौन सी साइज के टाइल खरीदनी चाहिए जैसे कि वो 90 feet में बिना कट किए टाइल्स लगा सकती हैं। सजेस्ट 3 different solutions, एक्सप्लेन हाउ यू गेट दिस आंसर, तो आपको तीनों के लिए क्या करना होगा, तीन अलग अलग टाइल्स के साइज का सॉल्यूशन आपको बताना होगा, ताकि क्योंकि रानी को क्या पसंद है, छोटी वाली टाइल पसंद है, उसके बाद गीता को पसंद है मिडल वाली, मिडल साइज की, और जो थर्ड वाली है नसीमा, उसको बड़ी वाली टाइल पसंद है। तो तीनों को अलग अलग साइज की टाइल्स पसंद है, तो इनके हिसाब से तीन साइज हमें क्या करने होंगे, ऐसे निकालने होंगे जो कि 90 feet के पाथ में आराम से बैठ सके और कहीं पे हमें कोई भी टाइल कट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक जैसी टाइल्स हमें सारी जगह पे लगानी है। तो हमें क्या दिया है, 90 feet का रोड दिया है। तो हमने जैसे कि पिछले ये जो प्रॉब्लम था अनुज हाउस का, उसके प्रॉब्लम में भी हमने ये टाइल्स लगाने का सॉल्व किया था, वैसे ही सेम हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है। अभी 90 feet के हमें 3 tiles ऐसे चाहिए जैसे कि वो ठीक से अच्छे से बैठ सके बिना किसी कट किए। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, 90 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो जैसे कि 90 के फैक्टर्स, सबसे पहले तो आपको पता है कि 90 के जो फैक्टर्स आपको नहीं निकालते आते हैं उसे हमें सीधा क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ कि डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड को सबसे पहले तो 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या आता है, फैक्टर आता है। तो 1 क्या है, जो हर इसका फैक्टर आता है। अभी हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 90 को, तो 9 के पास आता है 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 आता है। तो 9 में से 8 गया, 1 बच गया, और ये जो 0 है वो हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद 2 5 10 आता है, ये हमें पता है कि 2 5 10 आता है, तो 10 से हम 10 को माइनस कर देंगे और ये हमें मिल गया 0। और यहीं पे अगर हमें 0 मिल गया, इसका मतलब ये है कि 90 के 2 और 45 क्या है, फैक्टर्स। तो चलिए हमारी जो ट्री है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो 90 के फैक्टर्स आएंगे सबसे पहले 45, ठीक है, 2 और 45, ठीक है।
क्योंकि 45 टू जा 90 होता है। अभी यहाँ पे 2 के फैक्टर्स तो नहीं पड़ेंगे लेकिन 45 के आराम से आ जाएंगे। तो 45 के फैक्टर्स आएंगे 5 9 जा 45। ये हमें टेबल हमारे अच्छे तरीके से लर्न है इसलिए हमें फटाफट से आ रहे हैं। उसके बाद 3 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो हमें पता है 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, और यहीं पे हमारी गाड़ी जो ट्री है वो रुक जाती है। ठीक है, तो क्योंकि 3 के और फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो जैसे कि हम देख सकेंगे कि रानी को सबसे छोटी वाली टाइल पसंद है। तो अगर हम 1 फिट की टाइल अगर वो लाती है तो ज़रा सोचिए 1 फिट की टाइल उसको कितने लगेगी। ऑब्वियसली वो 90 फिट की है तो 1 × 90 = 90। सो 1 1 फिट की 90 टाइल्स अगर वो लगाती है तो उसका जो रास्ता है वो अच्छे से बिना कट किए टाइल्स उस पर लग जाएगी। तो 1 1 फिट की 90 टाइल्स उसको यहाँ पे लगेगी। और सपोज़ यहाँ पे हमारे फैक्टर में 2 भी है, तो अगर गीता को मिडल साइज़ की पसंद है तो गीता अगर 2 फिट की टाइल यहाँ पे लगाती है तो उसे कितने लगाने पड़ेंगे, उसे लगाने पड़ेंगे 45 टाइल्स, क्योंकि 45 × 2 = 90। तो अगर वो 45 टाइल्स यहाँ पे लगाती है तो 90 फिट का एरिया वो आराम से बिना किसी टाइल को कट किए कवर कर सकती है। तो गीता को 2 फिट के टाइल्स लगानी चाहिए। और उसके बाद नसीमा को पड़ी पसंद है बड़ी वाली टाइल्स, तो बड़ी वाली टाइल्स 2 के बाद अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी इसके फैक्टर में आता है। तो नसीमा अगर 3 फिट की टाइल्स लगा लें तो 3 फिट की उसको कितने टाइल्स लगानी पड़ेगी, तो 3 × अगर आप 3 × 30 करें तो आप देख सकते हो 3 3 = 9 और 0। जैसे कि 3 इसका फैक्टर है तो 90 तो आएगी ही, तो 3 30 = 90। तो इसका मतलब 3 फिट के 30 टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे नसीमा को लगाने पड़ेंगे 90 फिट। तो 3 3 फिट के अगर वो इस तरह से टाइल्स लगाती है 30 टाइल्स, तो 90 फिट का एरिया बिना किसी टाइल को कट किए वो आराम से कवर कर पाती है। तो इसी तरह से हमने रानी का 1 फिट, गीता को 2 फिट और नसीमा को 3 फिट का टाइल लगानी चाहिए, इसका सॉल्यूशन तो हमने उन्हें निकाल के दे दिया। तो यहीं पे हमारा लेसन भी क्या होता है, ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेसन मेरे साथ पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पजल्स थे, बहुत सारे गेम्स थे और हमने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के इसको सॉल्व भी किया। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करके अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अगले लेसन्स मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए और ऐसे ही आपका प्यार मुझे देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।